गुड मॉर्निंग गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया हूँ। आज हम अपना वही टॉपिक दोबारा कवर करेंगे जो हमने लास्ट छोड़ा था, बिजनेस लेटर एंड मेमो फॉर्मेट। तो बिजनेस लेटर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था। जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर, जैसे आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप प्लीज़ इसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करना, आप बिजनेस लेटर पे पहुंच जाओगे, तो आपको बिजनेस लेटर और हमारी अन्य वीडियोस आपको वहां पे दिख जाएंगी। हम कॉमर्स स्ट्रीम से लेकर के बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ आप उसमें देखिए। आइए करते हैं अब स्टार्ट बिजनेस लेटर और मेमो फॉर्मेट। बिजनेस लेटर हम कल डिस्कस कर चुके थे, अब हम डिस्कस करेंगे मेमो फॉर्मेट को। मेमो फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली हम इसको मेमोरेंडम कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जितने कॉमर्स के बच्चे होंगे, BA, BBA, BCom, MCom, MBA, ठीक है। BA जो बोला है मैंने, BA वाले बच्चों को भी पता होता है कि मेमोरेंडम क्या होता है। MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और भी बहुत सारी चीज़ों के मेमो होते हैं, ठीक है। अब देखो, मेमो, अब हम इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन करेंगे। तो मेमो क्या होता है? मेमो इज रिटन टू द पर्सन वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरेंडम लिखा जाता है उस पर्सन के लिए जो काम कर रहा है हमारी यही ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर्मेलिटी इन द लैंग्वेज ऑफ अ मेमो। इसमें कोई जगह नहीं होती है फॉर्मेलिटीज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ईमेल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करना होता है, जैसे हेयर विद, योर गुड सेल्फ, ऐसे करके। बट इसमें ऐसा कोई पर्पस या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। सैल्यूटेशन और कम्प्लीमेंट्री क्लॉज आर अवॉइडेड इन केस ऑफ मेमो। जो सैल्यूटेशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो क्लॉज हमारे इसमें नहीं, वो क्लॉज होते हैं इसमें नहीं होते हैं। जैसे कि आपका सैल्यूटेशन हो गया रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, मैडम, ये सब, डियर सर, डियर ब्रदर, ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल केयर वाइल राइटिंग मेमो। स्पेशल केयर की कोई इसमें ज़्यादा खास जरूरत नहीं होती है मेमो लिखते समय। मेमोज आर नॉट सपोज टू बी कर्टियस, दीज आर रिटन इन स्ट्रेट वे। मतलब हमें इसमें ज़्यादा कर्टिसी वर्टिसी नहीं दिखानी होती, जैसे हमने अपने पुराने वीडियोज़ में देखा है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं या हम रिटन करें या वर्बल करें, हमें बहुत अच्छे से कर्टिसी दिखानी होती है, डिसेंसी दिखानी होती है, मैच्योरिटी दिखानी होती है। बट लेकिन मेमो को लिखते हुए इन सब चीज़ों को नहीं, इतना नहीं देखा जाता, ये स्ट्रेट अवे में अपनी बात कहते हैं, क्लियर। जैसे आप एक तरीका, एक एग्जांपल ले सकते हैं नोटिस का। जब भी आप नोटिस लिखते हैं 50 वर्ड्स का, CBSE के बच्चे अपनी 12th 10th की इंग्लिश में, बोर्ड्स में, तो उसमें आपको स्कूल में यही बताया जाता है कि जब आप नोटिस लिखते हैं तो 50 वर्ड्स का होता है, उसकी जो वर्ड लिमिट होती है उसके कंटेंट की, तो उसमें आपको स्ट्रेट कहना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे करके, बिकॉज नोटिस में आप इन्फॉर्म करते हैं, नोटिफाई करते हैं किसी चीज़ को। इट आर कंसर्न्ड विद वर्क इन्फॉर्मेशन, दीज आर रिटन इन स्पेसिफिक वे। ये स्पेसिफिक वे में लिखे जाते हैं और ये वर्क इन्फॉर्मेशन को कंसर्न करते हैं। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन पे। गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं इसके मीनिंग को लेकर के, और मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले की तरह हमेशा बोल रहा हूँ, हो सकता है आप सबकी बुक्स में, सबकी टेक्स्ट बुक में, कोई आरलाल पढ़ रहा हो, कोई सी बुक पढ़ रहा हो, कोई सी बुक पढ़ रहा हो, तो सबकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में आपको अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। तो आप ये मत कहना ये डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं है, तो ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, तो मैं इसको पढ़ूंगा, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो अपने, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं हमारे वो अपने पेपर या कॉपी पे इसको लिख सकते हैं, और इसको भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, और अपनी जो भी डेफिनेशन आपको याद है उसको भी लिख देना। और गाइस, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू उस डेफिनेशन के जो राइटर हैं उनका नाम लिख करके लिखोगे तो पेपर पर एक अलग इंप्रेशन आता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को, इन टिप्स को याद रखिएगा, और आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और वीडियोस के ऊपर, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पढ़ते हैं मेमो की बात। मेमो इज अ प्रिलिमिनरी एंड रिटन मैसेज एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन देयर रूटीन वर्क। मेमो क्या है? ये प्रिलिमिनरी क्या होता है? सबसे पहला
प्राइमरी रिटन मैसेज एक्सचेंज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफ को सर्कुलर आया है एचआर की तरफ से. एक एग्जांपल, इन देयर रूटीन वर्क मेमो ऑफ फॉर्मेलिटीज इट इज चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करने का, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे को अपने एम्प्लॉयज से अगर कम्युनिकेट करना है तो मैं एक सर्कुलर जारी कर दूंगा यार, एक मेमो जारी कर दूंगा. उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा, भैया जो लोग फॉर्मल्स में नहीं आते हैं उनको फॉर्मल्स में आना पड़ेगा, आपकी साल की 12 छुट्टी होगी, पेटेंट लीव आपकी इतनी होगी और आपकी मेरिएशन लीव जो भी होगी वो आपकी इतनी होगी, मेडिकल लीव आपकी इतनी होगी, अगर आप 10 बजे के बाद आते हैं तो आपका हाफ डे लग जाएगा. मतलब ये सारी चीज़ मैं उसमें मेंशन कर दूंगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ में सर्कुलेट कर दूंगा, वो हर एक बंदा उसमें साइन कर देगा, तो यानी सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई. आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जब आपने देखा होगा कि आपको सर या मैम आपको पढ़ा रहे हैं और एक पियोन प्रिंसिपल ऑफिस से एक रजिस्टर लेके आता है तो आपका टीचर उसको पढ़ता है, उस पर साइन करता है और आपको वो मैसेज बोर्ड पे लिख के दे देता है कि भाई बच्चों कल राखी मेकिंग कंपटीशन है तो सब बच्चे अपना राखी मेकिंग कंपटीशन के लिए मटेरियल लाएंगे. तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है. ये सर्कुलर अगर आपको किसी से बात करनी है स्टाफ में, लोकल स्टाफ में, तो आप एक मेमो डाल दो या सर्कुलर कर दो. क्लियर हो गया? ये सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है अमंग एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज में या अपने स्टाफ में. ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आइए देख लेते हैं. ये तो हो गया आपका टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, यहां से आ तक का आपका कंटेंट. ठीक है भाई, ध्यान दो, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, ये आपको चार चीजें फॉर्मेट में देख लो कैसे होती हैं, टू फॉर फ्रॉम डेट सब्जेक्ट. अब कई बच्चे कहेंगे कि भाई हमारी बुक में तो सर ऐसे दे रखा है, कैसे दे रखा है, टू फ्रॉम डेट फाइल नंबर सर्कुलर नंबर कुछ भी हो सकता है. तो बच्चों ये भी ठीक है, लेकिन अब ये अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो ये फॉर्मेट पुराना है. जैसे कि आप डेट आज भी देखेंगे तो लोग डालते हैं, अब हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में या तो ये ठीक है या ये ठीक है. क्लियर है? ये भी ठीक है. अगस्त 06 अगस्त 2020, ये दोनों ठीक है. डंडे डाल के डैश डाल के आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे लिखोगे तो ज्यादा परफेक्ट है. क्लियर? अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखी है टू, टू कौन होगा, मेरे जितने भी स्टाफ हैं. ठीक है, सपोज करो यहां पे 5-10 मेरे एम्प्लॉयज बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूं टू एक्स वाई जेड, टू ऑल स्टाफ फ्रॉम विलियम स्मिथ सीईओ. मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया है. यहाँ पे आप डाल सकते हो एचआर, सीनियर एचआर, फाइनेंशियल. भाई सपोज करो मैं ऑडिटर हूँ, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑडिटर हूँ और मुझे अपने सारे लोगों को बोलना है कि भाई सबको आज से 15-20 दिन के लिए, जैसे लोग 7 बजे घर चले जाते हो तो आपको आज 8:30 बजे तक रात को बैठना पड़ेगा 15 दिनों तक, तो आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ. तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर डालूंगा सीनियर ऑडिटर, ठीक है, और अपनी कंपनी का नाम. ये कंपनी का नाम नहीं भी डालूंगा तो चलेगा, मैं डालूंगा सीनियर ऑडिटर. ठीक है, मतलब ये जो मैसेज आ रहा है किसकी तरफ से आ रहा है, सीनियर ऑडिटर की तरफ से, सीनियर एचआर की तरफ से, सीनियर मैनेजर की तरफ से या सीईओ की तरफ से. क्लियर है? या एमडी की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर या एमपी की तरफ से. एमपी क्या हो गया, मैनेजिंग पार्टनर. टू मतलब ऑल स्टाफ. क्लियर? डेट हो गई जिस दिन मैं ये जारी करूंगा. सब्जेक्ट हो गया न्यू टेक सॉफ्टवेयर इशू, जो न्यू टेक सॉफ्टवेयर इशू है हमारा हो गया सब्जेक्ट. ठीक है, विषय आप इन सब चीज़ों में तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत आई नहीं होगी, लेकिन गाइस मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे कॉन्टैक्ट लिंक्स में जा करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, बिकॉज हमें आप लोगों से ही फीडबैक मिलेगा और हम आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बेहतर बनाएंगे. अब हम इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या होगा, इट हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट मैनी एम्प्लॉयज आर हैविंग ट्रबल यूजिंग आर रिसेंटली Acquired new tech sale. ये कौन कह रहा है, विलियम स्मिथ. क्या कह रहा है, इट हैज कम टू माई अटेंशन. सपोज करो ये विलियम स्मिथ मैं हूं और ये ऑल स्टाफ आप हैं. आइए अब इसको समझते हैं.
it has come to my attention that many employees are having trouble using our recently acquired new tech sale. मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अटेंशन में आया है कि हमने जो न्यू टेक सेल का ये करा है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, इस प्रोसेस में बहुत दिक्कत आ रही है. मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिकॉज इट करंटली क्रिएट डुप्लीकेट क्लाइंट एंट्रीज. ये क्या कर रहा है? डुप्लीकेट क्लाइंट एंट्रीज कर रहा है. इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल हम समझते हैं. टेली ERP 9 के बारे में सबने सुना होगा. क्या होता है, जब हम टेली पे एंट्री करते हैं, सपोज करो मैंने एंट्री करी तो वो ठीक हो गई, आजकल तो ठीक होती है, लेकिन सपोज करो अगर टेली में कोई दिक्कत है तो कैसे आएगी? मैंने यहां से अपने डेटर बढ़ाए तो हो सकता है वहां पे इसका इफेक्ट पूरी टेली में गलत चला जाए. भाई मैं डेटर बढ़ा रहा हूं, हो सकता है मेरा कुछ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैश बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा गुड्स कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, कुछ भी हो सकता है. तो अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट ना गया तो यानी मेरा प्रोसेस गलत हो रहा है इस सॉफ्टवेयर की वजह से. क्लियर आ गई बात समझ में? ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, अगर हम इसकी बात करें, वो डुप्लीकेट एंट्रीज बना रहा था. क्लियर, सम ऑफ यू हैव स्टॉप इशूइंग द सिस्टम ऑल टूगेदर. वी वॉन्ट दिस सॉफ्टवेयर टू हेल्प यू डू योर जॉब्स बेटर, नॉट टू टेक अप मोर टाइम्स. मतलब हमने ये सॉफ्टवेयर आपको इसलिए मतलब लिया था और कर रहे हैं ताकि आपका जॉब, जो आपका काम है, आपका प्रोफाइल है, आपका जो वर्किंग है, वो बहुत बेटर हो जाए, बेस्ट हो जाए, इसलिए नहीं कि आपका वो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे. क्लियर है? भाई एक बात बताओ, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, मैंने एक फाइल बनाई है, सॉफ्ट कॉपी बनाई है. अब मैंने वो सॉफ्ट कॉपी की जो फाइल बनाई है वो क्यों बनाई है? ताकि मैं फाइल को गो थ्रू करूँ और अपने प्लानर को अच्छे से एनालाइज कर सकूँ कि इसके हिसाब से मुझे कैसे काम करना है. अब अगर वो सिस्टमैटिक नहीं होगा तो उस फाइल को, उस समरी को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब मुझे सारा टाइम उसमें कंज्यूम करना पड़ रहा है? ठीक है, वो मैंने अपने टाइम बचाने के लिए किया था, ना कि टाइम को गंवाने के लिए. क्लियर हो गया? आपको बिजनेस लेटर पहली वीडियो में समझा दिया था. नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ दोबारा उस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़ोर से अपना अंगूठा दे के मारना. क्लियर? और मेमो फॉर्मेट तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर दो, दोबारा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे. चलिए गाइस, मिलते हैं कल, और सेफ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, बने रहिए ड्रीम टॉपर के साथ. नमस्कार.